हेलो एस्पायरेंट्स, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है हमारा आर्टिकल 15, अनुच्छेद 15। ठीक, आजकल करंट अफेयर ही नहीं बल्कि सोसाइटी में भी इस टॉपिक पे अच्छा खासा डिबेट चल रहा है। आम जन जहां अनुच्छेद और संविधान की सामान्य समझ नहीं रखते हैं, तो उसी पर बनी एक मूवी भी आई जिससे इस टॉपिक को काफ़ी हाईलाइट किया। लेकिन आर्टिकल 15 एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा बहुत इम्पॉर्टेंट रहा है, न केवल आर्टिकल 15 बल्कि जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं वो सभी। तो हम बेसिक समझने की कोशिश करेंगे कि आर्टिकल 15 आखिर है क्या और हमारे एग्जामिनेशंस के लिए यहाँ से किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो मैं यहाँ पे स्टार्ट करूंगी सबसे पहले फंडामेंटल राइट से। ओके, फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार। ये फंडामेंटल राइट क्या होते हैं, ये मौलिक अधिकार क्या हैं, इनकी क्या उपयोगिता है, संविधान में इनका वर्णन कहाँ पे किया गया है। सबसे पहले बेसिक और फैक्चुअल चीज की बात करें तो जो फंडामेंटल राइट है ये हमारे संविधान के भाग 3 में यानी पार्ट 3 में इसका वर्णन किया गया है। किसका? फंडामेंटल राइट का, मौलिक अधिकारों का। मौलिक अधिकार से तात्पर्य ऐसे अधिकार हैं जो कि हमें जन्म के साथ ही मिल जाते हैं, जिनका संरक्षण हमारा संविधान, हमारी सुप्रीम कोर्ट कर रही होती है। मतलब ऐसे अधिकारों को हमसे कोई नहीं छीन सकता। यदि किसी कारण इस तरह के अधिकारों का हनन हो रहा हो तो हम सुप्रीम कोर्ट जा करके वहाँ का दरवाजा खटखटा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट हमें फंडामेंटल राइट से रिलेटेड हमारे साथ न्याय करेगी। ये हमारा हक है, हमारा अधिकार है। संविधान जब बन रहा था तो संविधान के बनने के क्रम में फंडामेंटल राइट का जो कॉन्सेप्ट था, क्योंकि हम जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन बुक जब लिखी जा रही थी तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा, और इस समय पर हमने विभिन्न देशों के अलग अलग किताबों को उठाया, अर्थात अलग अलग संविधान, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन की स्टडी की, और फाइनली जो हमने भारतीय संविधान लिखा जिसके निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहे जाते हैं, तो उन्होंने यहाँ पर जो अच्छी क्वालिटीज थी डिफरेंट कंट्रीज की उन सभी को कंपाइल किया और फाइनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया। ओके, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया। इन्हीं में से, इन्हीं सारे लक्षणों और कैरेक्टरिस्टिक्स में से एक सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो है फंडामेंटल राइट। जो अभी संविधान सोर्स की बात की जा रही थी तो हो सकता है आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल राइट है इसका स्रोत क्या है, कौन सी कंट्री से हमने लिया है। तो याद रखिएगा कि यूएसए से। ओके, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्ट हमने लिया है और हमारे संविधान में इसे शामिल किया। ये फंडामेंटल राइट जैसा कि अभी हमने देखा पार्ट 3 का भाग है, और पार्ट 3 में अनुच्छेद जिन्हें आर्टिकल कहा जाता है 12 से लेकर के 35 तक इनका उल्लेख किया गया है। कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक? आर्टिकल नंबर 12 से लेकर के आर्टिकल नंबर 35 तक। इसमें भी जो मेन फंडामेंटल राइट है उनको कैटेगराइज किया जाए तो आर्टिकल नंबर 14 से लेकर के आर्टिकल नंबर 32 तक हमारा मेन फंडामेंटल राइट यहाँ पे कंप्लीट होता है। फंडामेंटल राइट एक अपने आप में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन आज हमें केवल आर्टिकल 15 की बात करनी है। यदि हम मेन फंडामेंटल राइट की बात करें तो आपको पता है कि यहाँ पे आर्टिकल 14 सबसे पहली जो कैटेगरी देखेंगे हम, ठीक है, 6 कैटेगरी में बांटा गया है। यहाँ पे जो आर्टिकल 14 है, 14 से लेकर के 18 आर्टिकल तक, इस आर्टिकल को कहा जाता है समता का अधिकार, यानी कि राइट ऑफ इक्वालिटी। ओके, इक्वालिटी से समझ में आ रहा है कि किस तरह की इक्वालिटी की बात की गई है, कौन से आर्टिकल तक, 14 से 18 तक। आर्टिकल नंबर 14 कहता है यहाँ पे कानून के समक्ष समता और कानूनों का समान संरक्षण। ओके, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉ। आर्टिकल 15 के बारे में हमें बात करनी है डिटेल में, पर उसके पहले समानता की बात की जा रही है तो आर्टिकल 14 की बात की हमने, आर्टिकल 15 होल्ड पे रखते हैं। आर्टिकल 16 है
एम्प्लॉयमेंट आर्टिकल 16 है आपका लोक नियोजन में समता, ओके, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, क्लियर। और जनरली जब हम प्रमोशन इन रिजर्वेशन की बात करते हैं तो उससे संबंधित आर्टिकल 16 को पढ़ते हैं। आर्टिकल 17 भी क्योंकि इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, यहाँ पर है अनटचेबिलिटी, यानी छुआछूत को खत्म करना, ठीक है, जो कि सदियों से दलितों के साथ जो भी भेदभाव होता है उसको समाप्त करने के लिए कानूनी तौर पर हमने इसे फंडामेंटल राइट में जगह दी आर्टिकल 17 में। आगे आते हैं आर्टिकल 18, ये है अबोल्यूशन ऑफ द टाइटल्स, यानी कि जो उपाधियां हैं उनका अंत करना। तो फंडामेंटल राइट अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, उसमें 14-18 इक्वालिटी की बात की गई है। अभी हमने 14, 16, 17, 18 की बात की, इक्वालिटी में क्या क्या दिया गया है, लेकिन अभी हमारा वक्त है आर्टिकल 15 को डिस्कशन करना। तो ध्यान से हेडिंग को पढ़िए, हेडिंग कह रहा है प्रोहिबिशन यानी निषेध यानी रोक देना, किसकी रोकथाम करना है, ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, यानी कि विभेद को, विभेद यानी जब किसी दो पक्ष में किसी तरह का असमानता का व्यवहार किया जाए, विभेद किया जाए, ये अच्छा है ये बुरा है। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड बेसिस ऑफ, किन किन आधार पे हमको इस डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करना है, यानी ऐसे कौन कौन से मुख्य आधार हैं जिनमें हमको रोकना है, तो किस आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। फर्स्ट थिंग ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन यानी कि धर्म के आधार पर, सेकेंड ऑन द बेसिस ऑफ द रेस यानी कि वंश के आधार पर, थर्ड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट यानी जाति के आधार पर, फोर्थ ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर यानी सेक्स और लिंग के आधार पर, एंड फिफ्थ वन इज ऑन द बेसिस ऑफ द बर्थ प्लेस यानी कि जन्म स्थान के आधार पर। तो आपको ये पांचों नाम याद रखने हैं, हो सकते हैं कभी क्वेश्चन आए कि इनमें से क्या आर्टिकल 15 में किस बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं की गई, नोट करके क्वेश्चन पूछ लें, लेकिन आपको क्लियर रखना है कि यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर एंड बर्थ प्लेस, ये ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा, ऐसा कहता है हमारा आर्टिकल 15। अब आर्टिकल 15 में किन किन बेसिस पे आगे प्रोविजंस दिए गए हैं, तो इसके सब टाइटल्स भी हैं, 15-1, 15-2, 15-3 एंड 15-4। उसी बेसिस पे हम इस टाइटल को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट कहता है कि रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर और बर्थ प्लेस के बेसिस पे हम इसमें किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। भारत देश प्रियम्बल में ही लिखा हुआ है कि वी आर अ सेक्युलर स्टेट, हम एक धर्म निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है, और जब ऐसा हमारे संविधान में 42वें संविधान संशोधन से लिख दिया गया तो कोई किसी भी आधार पर नहीं कह सकता कि एक हिंदू राष्ट्र है, एक मुस्लिम राष्ट्र है, एक ईसाई राष्ट्र है। ये विविधतापूर्ण भारत यानी डाइवर्सिफाइड इंडिया एक यूनाइट फॉर्म में है, एक सेक्युलर स्टेट है जहाँ हर किसी धर्म के व्यक्ति को अपने मजहब, अपने स्क्रिप्ट, अपने धर्म को मानने की और उसका प्रचार प्रसार करने की पूरी तरह से स्वतंत्रता है। तो धर्म के आधार पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इस तरह का किसी तरह का विभेद नहीं किया जाएगा। वंश के आधार पर किसी तरह का विभेद नहीं किया जाएगा, किस वंश को वो बिलोंग करता है। कास्ट के आधार पर, धर्म तो अपने आप में यहाँ पर एक इश्यू बना ही रहता है, लेकिन सबसे बड़ा जो हमारे देश का मुद्दा आज भी है वो है जातियों का, कास्ट का, जाति, उपजातियां, एक ही धर्म में जाने कितनी जातियां। तो इस जाति के आधार पर भी कि किसी का सरनेम ये है या किसी का सरनेम ये है, इस आधार पर किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा कि मैं अभी नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन एक्स वाई जेड किसी भी जाति को आप सोच सकते हैं और उस सरनेम को लेकर के किसी भी स्पेशल तरह के प्रोविजंस नहीं बनाए जाएंगे, ओके, कि इसको लेकर के प्रोविजंस बनाए जाए या फिर उनको लेकर के यहाँ पे किया जाए, उनके साथ किसी तरह का भेदभाव किया जाए। फिर ऑन द बेसिस ऑफ द जेंडर, लिंग के आधार पर, महिलाओं और पुरुष के आधार पर किसी तरह की समानता यहाँ पर दर्शाने की कोशिश की जाएगी, महिलाओं को किसी भी क्रम में पुरुषों से कम नहीं तुलना की जाएगी, सभी को बराबरी का हक दिया जाएगा। फिर है बर्थ प्लेस, भारत तो 29 यहाँ पे स्टेट्स हैं, 29 स्टेट्स में से
कौन मुंबई का है, कौन यूपी का है, कौन तमिलनाडु का है, ऐसा यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा बर्थ प्लेसेस के स्थान बर्थ प्लेसेस के बेसिस पे, बल्कि सभी को एक समान भाव से देखा जाएगा। यानी कि उपरोक्त ये जो पांचों भाग है इनके आधार पर किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। ओके, अब यहाँ पे समझते हैं कि आखिर आगे इसमें किन किन बेसिस पे डिटेल्स में बात की गई है। तो नंबर वन है, यहाँ पर हमने नंबर 5.1 में तो रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर और बर्थ प्लेस ही है। जब 15.2 की बात की जाएगी तो यहाँ पर है पब्लिक प्लेस। ओके, यानी कि जो आपके सार्वजनिक स्थल है, क्लियर, एंटरटेनमेंट एरिया, फॉर एग्जांपल मूवी हॉल एंड ऑल, पूजा स्थल, यानी कि कोई भी स्थान जहाँ पे किसी दूसरी जाति के लोग जा रहे हैं, धर्म के लोग जा रहे हैं, बाकी लोग भी वहां जा करके क्या कर सकते हैं, अपनी चीजों को वहां पे आराम से किसी भोजनालय में जा सकते हैं, किसी होटल में रुक सकते हैं। कभी भी वहां पे इस बात पे विभेद नहीं किया जाएगा कि वो पर्टिकुलर किसी धर्म के लोगों को वहां एंट्री नहीं देगा। जैसा कि अक्सर आप बहुत सारी मूवीज में देखते होंगे, वहां पे जनरली टर्म्स में दिखाया जाता है कि यदि कोई दलित है उसको मंदिर में जाने से रोका गया, या फिर हम पेपर में आए दिन पढ़ते हैं। यदि आर्टिकल 15 मूवी में ही देखें तो उसमें एक सीन होता है जहां पर कि जो पिछड़े दलित जाति के लोग हैं वो उस जगह पे किसी के सामने हैं और उनकी ग्लास से पानी नहीं पी पा रहे। तो ऐसा कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा यहाँ पे। यदि पब्लिक प्लेस या एंटरटेनमेंट एरिया या भोजनालय की बात की जाए तो वहां पर क्या किया जाएगा, वहां पर उनको अनुमति दी जाएगी, उनको एंट्री दी जाएगी, किसी इन पांचों बेसिस पे वहां पे उनको नहीं रोका जाएगा। ओके, देन 15.3, ओके, पहली बात हो गई थी, 15.2 की बात हुई, 15.3 की बात। 15.3 में बात की गई है वुमेन्स एंड चिल्ड्रन से रिलेटेड, यानी कि महिलाओं और बच्चों से। तो महिलाएं और बच्चों को लेकर के यदि यहाँ हमारा संविधान कोई विशेष प्रावधान करता है, ठीक, तो वो से इस आर्टिकल का डिस्क्रिमिनेशन नहीं समझा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ बात की गई है ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, महिलाओं और पुरुषों को इक्वालिटी से तौला जाएगा, इक्वालिटी से उनका तुलना की जाएगी। लेकिन यदि यहाँ पे फीमेल रिलेटेड मैटरनिटी लीव की बात की जाए, मैटरनिटी लीव से रिलेटेड अभी बिल आया था और आपको पता है कि उसकी अवधि टाइम पीरियड जो है वो बढ़ा करके 26 वीक कर दिया गया। तो यहाँ पे पुरुष न्यायालय में जा करके ये नहीं कह सकते कि यहाँ उनके साथ विभेद किया गया है, महिलाओं को 26 हफ्ते की छुट्टी दी गई है, हमको तो उतनी छुट्टी हमें भी चाहिए। यहाँ पे जनरल एक कॉन्सेप्ट आता है कि क्योंकि उस समय फिजिकली वीक हो चुकी होती है एक फीमेल, ओके, और बाकी भी उसकी फिजिकल और कंडीशनल जो होती है मेंटल कंडीशंस वो काफी वीक होती है, तो उसको कॉपअप करने के लिए, उस बच्चे के लालन पालन पोषण के लिए इस महिला को उस समय जरूरत है, तो मैटरनिटी लीव का प्रोविजन किया गया। यानी कि जेंडर के बेसिस पे आर्टिकल 15 कह तो रहे कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, लेकिन यदि वो यहाँ पर यही आर्टिकल ये रिजनेबल रिस्ट्रिक्शंस देता है, युक्ति निर्बंधन करता है कि महिलाओं और बच्चों से संबंधित उनके वेलफेयर के लिए यदि कोई स्कीम बनाई जाए तो आर्टिकल 15 का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। तो इस तरह के जब आपको सामने एग्जांपल्स दिखते हैं तो उनको समझ लीजिएगा ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस की बात हो रही है। जैसे कि जब बच्चों की बात की जाए तो बच्चों के लिए भी कानून बनाए गए हैं कि 14 ईयर्स से कम पे उनसे कोई भी जबरदस्ती काम नहीं कराया जाएगा, खतरनाक जो है फैक्ट्रीज वगैरह उनमें नहीं इनसे काम लिया जाएगा, और ये तो आर्टिकल ऑलरेडी 24 में भी मेंशन है। लेकिन यहाँ पे यदि बच्चों से रिलेटेड कोई वेलफेयर स्कीम बनाई जाती है तो महिलाओं और बच्चों से संबंधित वेलफेयर स्कीम बनाना इस आर्टिकल 15 का किसी भी आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। एक और पॉइंट लास्ट हम देखते हैं यहाँ पर जो 15.4 कहता है, 15.4, और ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी रिसेंटली पूरे भारत देश में करेंट अफेयर का इश्यू जो सबसे बड़े चल रहा है वो चल रहा है EWS का, ओके, इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास का, इनको दिया गया है 10% रिजर्वेशन, क्लियर।
जो जनरल कैटेगरी में एक पर्टिकुलर प्लेस को बिलोंग करते हैं, वो जो सक्षम नहीं आर्थिक रूप से, उनको रिजर्वेशन दिया गया है इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास को। तो आर्टिकल 4 इस तरह से भी इम्पोर्टेंट हो जाता है यहाँ पर, क्योंकि आर्टिकल 4 में EWS की बात तो नहीं की गई है। ओके, इकोनॉमिक बैकवर्ड जो सेक्शन है यहाँ पे बात की गई है, इकोनॉमिक वीक सेक्शन, सॉरी, यहाँ पे बात की गई है किस चीज की है? आर्टिकल 15(4) में किसी भी बेसिस पे SC ST OBC, ठीक है, जो हमारी सोसाइटी में पिछड़े हुए लोग हैं, चाहे वो शैक्षणिक रूप से पिछड़े हो या सामाजिक रूप से। जैसे हम देखेंगे SC और ST को बराबरी का दर्जा नहीं मिला है हमारे समाज में, मेन स्ट्रीम में, उनको मर्ज करने के लिए सरकार ने लगातार प्रयत्न किए हैं और उनको कोशिश की जा रही है कि वो मेन स्ट्रीम में जुड़ जाए। तो ये लोग कैसे हैं? सोशली बैकवर्ड है। सोशली बैकवर्ड ऐसे कि उनको साथ में खाना, साथ में एजुकेशन, साथ में आना जाना, ये सारी चीजों से रिलेटेड प्रोविजन मिले। तो SC ST सोशली बेसिस पे, और ओबीसी को क्योंकि बराबरी का दर्जा तो मिलता रहा सदियों से, लेकिन इनको ऑन द बेसिस ऑफ यहाँ एजुकेशनल फॉर्म में पिछड़ा हुआ मानने के कारण क्या किया जाता है, SC ST OBC इन सभी के लिए यदि किसी तरह का फॉर्म बनाया जाएगा जिसे आप टेक्निकल टर्म में रिजर्वेशन कहते हैं, ठीक है। रिजर्वेशन किस तरह का? चाहे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, जॉब एम्प्लॉयमेंट में। तो इसीलिए आर्टिकल 15(4) बहुत ज्यादा हाईलाइटेड रहा। SC ST OBC से रिलेटेड क्या है? रिजर्वेशन के प्रावधान जो थे वो यहाँ पर बनाए गए, और इस तरह से यदि इन विशेष वर्ग को एक मेन स्ट्रीम में लाने के लिए कुछ वेलफेयर स्कीम बनाई जाती है, तो वो इन उपरोक्त पांचों सेगमेंट्स में से इसका डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। चाहे वो माइनॉरिटीज की बात हो, यदि हम मुस्लिम्स को कुछ स्पेशल वेलफेयर स्कीम्स दे रहे हैं, मतलब कि वो इस बेसिस पे वो उसका डिस्क्रिमिनेशन नहीं है आर्टिकल 15(4). ओके, देन यहाँ पे ओवरऑल कंक्लूजन फिर से यही है कि आर्टिकल 15 में जब अभी 10% EWS की बात आई थी, इकोनॉमिक बैकवर्ड सेक्शन की बात आई थी, तो उससे रिलेटेड ये प्रावधान था कि उनको एक और आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके 15(5) ऐड किया जाएगा, क्योंकि हमारे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन किसी हालत में नहीं होना चाहिए, लेकिन इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास को यदि रिजर्वेशन दिया जाएगा तो ओवरऑल सारा का सारा रिजर्वेशन मिला करके ये 50% ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने इसे पास कर दिया है और EWS को 10% रिजर्वेशन भी मिल गया है, क्योंकि उनको भी कहीं ना कहीं वीकर सिस्टम में यहाँ पे काउंट किया जा रहा है, और संभावना है कि हो सकता है आगे कभी पार्लियामेंट में और कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो और इस आर्टिकल में कोई नया प्रोविजन जुड़े और हमें पढ़ने के लिए मिले। लेकिन इस आर्टिकल का ये पांचों बेसिस के आधार पर कंक्लूजन ये निकलता है कि इन पांचों उपरोक्त पॉइंट्स के आधार पर, यानी कि रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर और बर्थ प्लेसेस के आधार पर किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, लेकिन किसी वर्ग विशेष जैसे महिलाएं हुई, चाहे वीकर सेक्शन SC ST हो गए, इनसे रिलेटेड यदि किसी तरह की स्कीम्स बनाई जाती हैं तो वो इस आर्टिकल 15 का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगी। ओके, और आगे चल करके 16 में इसको और ज़्यादा क्लेरिफाई किया गया, जिसमें से कि ओबीसी के लिए क्रीमी लेयर और सब कास्ट जैसी चीज़ों का वर्णन किया गया था, जिसको कभी और फंडामेंटल राइट में देखेंगे। अभी आर्टिकल 15 सोसाइटी में और हमारे क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट प्लेस रोल प्ले करेगा, इस वजह से आर्टिकल 15 को थोड़ा गहराई से जानना जरूरी था। आपको यही याद रखना है कि हमारे फंडामेंटल राइट पार्ट 3 का एक भाग, ये पांचों भाग, इनके आधार पे किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना ही आर्टिकल 15 है, क्योंकि हम भारत देश के नागरिक, हम एक राष्ट्र के नागरिक, और हमारी विविधता इतनी ज़्यादा है कि हमें उस सबको जोड़ करके रखने के लिए इस तरह के आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ताकि एक यूनिटी और इंटीग्रिटी जो हमारे प्रीएम्बल का भाग है वो हमेशा प्रैक्टिकल रहे और इस तरह से हमारे अस्तित्व में बना रहे। थैंक यू सो मच।